है ईसा खान का मकबरा यानी ईसा खान टॉम, जो आपको हमने शुरू में दिखाया था राइट साइड में, जो शुरू में पड़ा था एंट्री के वक्त। हाँ, अब हम यहाँ पर चलेंगे। ईसा खान का पूरा नाम है ईसा खान नियाजी। ये एक अफगानी है जो कि शेरशाह सूरी के कोर्ट में अमीर थे। ईसा खान की पैदाइश लगभग 1453 में बताई जाती है और इनकी वफात हुई 1548 में। ये कहा जाता है कि ये एक पश्तून ट्राइब से बिलोंग करते थे और इनकी नस्ल अब भी अफगानिस्तान के पाकतिया प्रोविंस में मौजूद है और कुछ है पाकिस्तान के मियांवाली में। तो ये है ईसा खान का मकबरा। देखिए, ये जो सामने दिख रहा है यही वाला मॉन्यूमेंट ईसा खान का मकबरा है। इसी जगह ईसा खान की कब्र मौजूद है। आपको बताते चलें कि ईसा खान का मकबरा हुमायूं के मकबरे से भी काफ़ी पहले बनाया गया। अगर किताबों को देखें तो उसके हिसाब से बताया जाता है कि लगभग हुमायूं खान के मकबरे के बनने से 20 साल पहले ईसा खान का मकबरा बनकर तैयार हो चुका था। वो सामने मस्जिद नजर आ रही है जिसे ईसा खान मस्जिद के नाम से जाना जाता है। चलिए वहां चलते हैं। तो यहां के सीन्स कुछ ऐसे हैं। ये इतना पुराना हो गया पर अब भी बिल्कुल ठीक ठाक कड़ा है। जी हां, इसे बनाने में भी पूरा लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि हुमायूं के मकबरे में लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ये मस्जिद के अंदर से ईसा खान के टॉम का जो व्यू आ रहा है बड़ा ज़बरदस्त है। क्या नज़ारा है, देखिए आप।